कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजन बिहाइंड इट की ध्यान से समझना मैं कैसे समझा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबेटिक है, बस इनमें प्रॉब्लम आता है। थर्मल प्रोसेस इंडिकेटेड देखो यहाँ एक चार प्रोसेस दिया हुआ है और हमको इसे मैच कराना है। अब पीवी डायग्राम में ये रहा मेरा पी और ये रहा मेरा बी। पीवी डायग्राम में ये वाला जो फोर्थ प्रोसेस है, अगर ये ऐसे है समझना, ये क्या भैया, इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबेरिक होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है ऐसा, ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस से फोर्थ कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फोर्थ आइसोबेरिक है। तो फोर्थ आइसोबेरिक आ गया, आइसोबेरिक ये है तो प्रोसेस फोर्थ आइसोबेरिक ही होगा, प्रोसेस फोर्थ आइसोबेरिक है, मतलब एस का बी मैच करेगा, तो एस का बी मैच करेगा, या ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, 50-50% सक्सेस हो गए। अब ये जो ऐसे वाली लाइन है पीवी डायग्राम में, इसमें क्या कांस्टेंट है यार, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक हो आराम से आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जो ये यहां पर ऐसे दिखा है फर्स्ट तो आइसोकोरिक है, मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आइसोकोरिक कन्फर्म है, आइसोकोरिक मतलब बी का फर्स्ट का सी ही मैच करेगा, तो फर्स्ट का सी मतलब पी का सी कहाँ है, ये कभी सही नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो दोनों प्रोसेस हैं थर्ड और सेकंड, इनको भी मैं कन्फर्म करके आपको बता देता हूँ जिससे आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत वाली बात ना हो। अब देखो पीवी डायग्राम में याद रखना डिफाइन करता है स्लोप, यार पीवी डायग्राम ये ऐसे बनाया ना। अब आपको याद है कि दोनों का नेचर होता है वो सेम होता है, बट यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन में ये जो ग्राफ है वो स्लोप चेंज हो जाता है, फिर कंप्रेशन में भी स्लोप चेंज हो जाता है, तो ये उल्टे हो जाते हैं यार। अब जो आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल उसमें जो आप पढ़ के आए होंगे स्लोप dP/dV इज इक्वल टू माइनस pV होता है, और जो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक इसमें जो dP/dV स्लोप होती है वो गामा टाइम्स pV होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, टेन थीटा ज़्यादा होता है, स्लोप ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा खड़ा रहेगा यार। अब इसमें से ज़्यादा स्टीपर खड़ा, ज़्यादा स्टीप सीधा कौन सा यार, ये स्लोप तो सबसे ज़्यादा 90 आता है ना भाई, बेसिक मैथमेटिक्स सबको आता है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा 90, इसका स्लोप थोड़ा और कम हो गया, इसका 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 जीरो हो गया। तो इस पॉइंट, कोई पॉइंट कट कर लो, वहाँ पे टेंजेंट बना दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट बना दोगे तो ये देखो, ये एंगल कुछ ज़्यादा ही एंगल आ रहा है इज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये वाला जो प्रोसेस है इस समय वो एडियाबेटिक है, इसका स्लोप ज़्यादा है, और ये जो ऊपर वाला है वो आइसोथर्मल है, इसका स्लोप कम है। स्लोप देखने आता ना भैया, ऐसे स्लोप ऐसे झुकोगे तो स्लोप कम होगा, ये ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे ज़्यादा खड़ा है, तो ज़्यादा खड़ा वाला एडियाबेटिक होगा। तो ये जो थर्ड वाला है वो आइसोथर्मल है, तो थर्ड आइसोथर्मल है, यहाँ ले जाके देखो तो थर्ड प्रोसेस, थर्ड आर का आइसोथर्मल डी सही है, आर का डी सही है, क्लियर है, मतलब ये ऑप्शन सही है, आर का डी इसमें भी है, इसको